तिवारीपुर थाना क्षेत्र में हुए रवि निषाद की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में हत्या के आरोप में वांछित 15,000 रुपये, 3 इनामिया सहित 4 शातिर बदमाश शामिल हैं, जिनमें पुलिस ने नूरुद्दीन पुत्र जैनुल आबदीन उर्फ कोयल निवासी बहरामपुर थाना तिवारीपुर, आदिल पुत्र सदीक शाह निवासी टोंगरी थाना निचनौल जनपद महराजगंज, अजीज पुत्र नजीर निवासी इलाहीबाग थाना तिवारीपुर, जुबैर पुत्र नसरुद्दीन निवासी पिपरापुर भट्टा थाना तिवारीपुर को गिरफ्तार किया है। तिवारीपुर थाना पर घटना का खुलासा करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा कि इसके पहले 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष बचे 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद सभी अभियुक्त जेल भेज दिए गए हैं। सीओ कोतवाली ने बताया कि शराब के नशे में किसी बात को लेकर इन लोगों में मारपीट हुई थी, जिसमें अभियुक्तों ने रवि निषाद को पानी में डुबोकर मार डाला था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया। सर दारू खराब पी के लड़ाई लड़ाई झगड़ा हुआ के नीचे बंदे चले, पता नहीं कैसे बेल्ट से मार दी और सब सारे हम गांव के रहने वाला एक रवि कुमार निषाद, इनकी हत्या दिनांक 2/7/2019 को रात में करीब 9 बजे के करीब हुई थी, और जो भी मारने वाले थे उनमें 2 को पहले साजिश में शामिल थे उनको जेल भेजा गया था, और जो मारने में लोग उस समय मौके पर मौजूद थे 3 से 4 लोग, वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें से एक है नसीरुद्दीन और एक आदिल, एक अजीज और एक जो है जुबेर, 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 अभियुक्तों पर, नसीरुद्दीन, आदिल और अजीज पर 15,000 रुपए का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया है, जिनकी आज प्रभारी निरीक्षक प्रभारी थाना तिवारीपुर श्री सत्यप्रकाश सिंह और उनकी टीम द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पहले 2 गिरफ्तारी हो चुकी है, दोनों जेल में हैं। 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। इस अभियोग से संबंधित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें जेल भेजा जाएगा। हत्या के कारण में खेत चराने का विवाद जो प्रथम दृष्टया आदमी की तरफ से आया है वो था, कुछ और भी इंटरनल बातें हैं जिसे हम आप लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और उस बिंदु पर भी छानबीन की जाएगी।